तो ठुलन थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पेश तमर सामने आज विशेष आज मैं तमर लहल ही बेर एर हूँ मुंशारी बॉयज फुटबॉल क्लब द्वारा हर रविवार को मुंशारी की साफ सफाई के लिए जो लगे रहते हैं तो उनका 11वें रविवार को जो साफ सफाई मुंशारी में वो करते हैं उसमें मुझे अपने आप को उनके साथ पाकर मुझे अत्यधिक गर्व हुआ। वाकई मुंशारी बॉयज फुटबॉल क्लब को सैल्यूट। अभियान है इसी तरह से कंटिन्यू चालू करेंगे और पुष्कर दा हमारे दिल्ली के समाज सेवी है और बहुत सारे काम करते हैं तो उन्हीं की ओर से ये टोपी जो है आज दिया जाएगा और बैग भी यहाँ पर हम लोग आप लोग करेंगे। ये केवल यह है कि अभियान को और आगे सुचारू रूप से बढ़ाया जाए करके और इसी तरह से लोग बाग हम लोग जो है जो भी बाहर के लोग हैं मुंशारी के एक्टिविटी है मुंशारी के अभियान से वो लोग जुड़ते रहे तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो मुंशारी बॉयज के लिए एक बार जो है सैल्यूट है ना। चिराल चिराल कौन है? अरे गुड गुड तुमको तो मैं रोज देखता हूँ भाई है ना वेरी गुड कैप निकालो। मुंशरीक महना मुंशरीक महना खेत तिमी कमोशा मुंशरीक महना खेत तिमी कमोशा मुंशरीक महना खेत तिमी कमोशा नया नया ढंगले खेत तिमी कमोशा यूच संदेश ओ दुर्गदास पाक संदेश ओ दुर्गदास पाका मुंशरीक महना। You are participating first time? Very good, that's great. तो एक बार मुंशारी बॉयज के लिए बना जबरदस्त है ना। चलो लगते हैं फिर वही बात। चलो गोविंद सिंह सफाई में लगाइए। मौका मिला मेरे को। वेरी गुड वेरी गुड है ना। मुंशारी बॉयज है सफाई में लगे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ हरीश भाई हैं अच्छा अच्छा लग रहा अच्छा अवेयरनेस है। होय 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 हाँ यहाँ साफ होगा तो कानपुर साफ होगा। होय 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 है ना। हाँ 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 मुंशहर में टूरिज्म आ रहे ना उस हिसाब से हमारे यहाँ गंदगी पहुँच रही है और हमारे पास ना नगर पालिका है ना नगर पंचायत है। सर हमारा बॉडी बनाने के लिए ऑडिट फॉर्मर आ रही है और इनको लग रहा है इंसान भी अपोज करने वाला ओपनली कोर्ट मार्केट बना रहे हैं मार्केट भी है दूसरी सोचा टैक्स जो है निर्णय करो और गवर्नमेंट इसमें जोर होना चाहिए लेकिन इसमें नेगलेक्ट नहीं नेगलेक्ट मत करो इसको। अभी हरीश दा हरदा से बात हुई थी दिल्ली वाले मारुति वाले तो वो अभी शायद में रिटायर आने के बाद इस पर काम करने वाले हैं। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम सफाई अभियान करके सारा पूरा घुमा दे दिए।
ये कूड़े के साथ जो है घर के मालिक को भी हमको बताना पड़ेगा कि जो है कूड़ा जो है अपने पॉलीथीन में ही रखें और उपयुक्त जगह ही पर डालें। चूल्हा में कड़ाई राखो की पूरी तालोला अब खेल खेला गिनोवा। तो कितनी मतलब कब से स्टार्ट किया ये? अच्छा सितंबर से हर अक्टूबर हर संडे। अच्छा 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 ग्यारहवा संडे ग्यारहवा संडे में। तो चलो इससे काफी अवेयरनेस तो है लोगों में आई है। पुष्कर को जो है जोहार की बातें अक्सर करते रहते हैं और हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है कि मुंशहरी बॉय जो सफाई करे कार्यक्रम कर रहे हैं वाकई मैं आज दिल से बहुत ही, क्योंकि जब आमने सामने दिखाई देता है वो बात कुछ और होती है, है ना। हम लोग देखते हैं एक बार या थम्स अप कर दिया या वेरी गुड कर दिया वो एक फॉर्मेलिटी सा हो जाता है, लेकिन यहाँ आके लगा कि इसकी कितनी जरूरत है। तो जरूर जो भी इस माध्यम से सुन रहे होंगे और जो योगदान देने वाले होंगे जरूर इसमें अपना जो है एक बार एक मिनट के लिए जरूर है ना। दो शब्द जो है हमारे पंचपाल जी हमारे समाज सेवी है, दो शब्द पंचपाल जी बोलेंगे। हमारा सौभाग्य भी है दुर्भाग्य भी है। सौभाग्य ये हमारा कि हम इस पंचायत चेतना जी हैं जहाँ से हमें सब कुछ मिला। दुर्भाग्य है कि हम लोगों को सब कुछ होते भी हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाए। अब जो हमें जो अवेयरनेस हमारे न्यू अमर जो है ये हमें रास्ता दिखा रहा है कि करना चाहिए। हमें बहुत खुशी हुई जब हमें हिमांशु की और टीम इंटायर टीम ने जो अभियान चलाया तो हमने कहा ये किसकी ये वजह जो बड़े नए लोगों की सबसे जरूरत ही है। तो मेरा खुद इच्छा थी कि मैं इनको देखता था हमेशा, तो इसे एक बार मैं भी जाऊँ। मैं पिछले बार प्लान किया नहीं आ पाया, अभी मैंने कहा जरूर ही मैंने जाना है एक बार। मैंने पश्चिम इसलिए मेरी और दासपा जी को यहाँ जब देखा मैंने कहा दासपा जी यहाँ हैं, मैंने कहा इससे बढ़िया कौन क्या होगा जो साथ रहेगा। तो मेरा यही है आप लोगों से, मेरे से जो भी आप कहेंगे जब भी आप मुझे एक आवाज़ दोगे कभी भी किसी काम के लिए। और दूसरी चीज ये है जो जोहार बॉयज क्लब है ये फुटबॉल क्लब मुंशहरी बॉयज क्लब है, जो काम मैं नहीं कर पाया ये बॉयज क्लब ने किया, ये मैं अपने तहे दिल से करता हूँ। इन लोगों ने बहुत कम उम्र में कर दिया और इसलिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया। काम कुछ नहीं होता है हर आदमी के धन दौलत सब धन दौलत कुछ नहीं होता, होता है आपकी विलिंगनेस आप क्या कर सकते हैं। आप ये नहीं तो सोचो कि मैंने जो है ये करूँगा तो मुझे वो क्या करेगा या मुझे वो करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। मिलने वाली बात को छोड़ दो, आप क्या कर सकते हो उस बारे में सोचो, हमेशा उस चीज़ को सोचो।
निगेटिव अगर लाओगे तो आप निगेटिव ही सोचोगे, कभी आपको पॉजिटिव नहीं आएगा। पॉजिटिव सोचोगे तो आपको बहुत सारे पॉजिटिव आएंगे। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आज की जो यूथ है, आप एक दूसरे को किसी तरह हाथ हाथ रख करके इस काम में लाओ। ये काम नहीं जरूरी है, ये काम मतलब कुछ इस तरह के काम में लाओ जिसमें वो लोग जो है दूसरे जो फालतू घूमते हैं या कुछ उनको किसी तरह से अपने साथ जोड़ो। और बाकी रास्ता जी हमारे जो है, मैं इनको ये कहता हूँ कि हमारे बड़े मित्र खुशी भी हैं और हमारे जोहार के जो कर रहे हैं, किसी को हो सकता है कि अच्छा लगे या ना लगे, मैं ज़्यादा इनको लाइक भी नहीं करता हूँ, लेकिन दिल से इनको बहुत लाइक करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं होता, मैं फेसबुक नहीं देख पाता हूँ, फेसबुक बहुत कम देखता हूँ मैं, कभी कभी मतलब देखता हूँ। हम लोग देखते हुए बहुत कम देखते हैं, जैसे मैं कल फेसबुक देखा बहुत टाइम तक रात को फेसबुक देखना। तो मान लो एक बार आपकी इंटायर टीम को बहुत बहुत बधाई है। आपको जो भी जरूरत होगी, हाँ दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगा, जो बहुत सारे नीडी पीपल हैं, वो भी तो मेरे नीडी पीपल हैं, उसको नहीं था आश्रम मेरा आश्रम में थोड़ा तो भी कुछ कमी थी, अभी मैंने अभी वो कल के ऊपर कम्प्लीट कर दिया। हमें कोई ऐसा बीमारी हो जिनको जो है बहुत ज़रूरत हो, आप किसी भी आप हमारी दिल्ली टीम को हमें के लिए चाहता जी हूँ, हम सबसे पहले आगे रहेंगे। ठीक है, मेरा यही है कि मैं उन क्योंकि आदमी दिल्ली ऐसे नहीं आता इलाज के लिए ना, दिल्ली वो आता है जो आपको बहुत ही गंभीर हो। और यदि आपको कुछ ऐसा लगे कि इस आदमी को, मतलब मैंने हल्द्वानी में ट्रीटमेंट नहीं, मैं जब मैं कई केस देख चुका हूँ जिसमें जो हल्द्वानी में जो है आपका वो ट्रीटमेंट बिगड़ने के बाद ही दिल्ली पहुँच। ये आइए प्लीज, ये हमारी पत्नी है, इनके हमारी मुहिम चल सकती। देखो तब तक आपको घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। घर से जब सपोर्ट होगा तभी आप जा सकते हो, नहीं तो कहेगा क्या क्या ये बेकार, मैं घर देखो ना अपना, ठीक है हफ्ते में एक दिन नहीं, मुझे फ्री छोड़ रखा है तो इसलिए मैं ये काम कर पा रहा हूँ। मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी मुहिम में जुड़े, वो बिना ये हिमाचल में जो है जो ये सफाई का अभियान चला रहे हैं यहाँ पे, पूरा ग्रुप ही हमारा मैं ही नहीं हूँ, मतलब सब छोटे भाई लोग सब मानेंगे। अभी तो ग्यारह हफ्ते टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, हाँ हाँ इसमें समय लगेगा, इसमें समय लगेगा। बाकी हमारे पुष्करदा के बारे में क्या आप लोग सभी जानते हैं, नहीं भी जानते तो मगर आप ही उससे हम सब कुछ हैं, जैसे खासकर मैं हूँ जहाँ पर आगे बढ़ा हूँ जो भी कर रहा हूँ। पंचपाल जी उससे राजू का इतना बोल रहे हैं संघ और मेला, जब दिल्ली गया था मैं ग्यारह ज्वाइन किया था तो आपने एक छोटी मुहिम चलाई थी कि भाई सबको साथ लेके चलना करें, वो मुहिम आज तक हमें जिंदगी भर हम वही हमें वो करते हैं फॉलो करते हैं, तो आज के दिन में हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खासकर जो है मुंशी बॉयज के बारे में इतना ही कहूँगा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो सेंक्शन मिलेगा हम लोगों को सभी लोगों को, हम और जो हमारी जो नई जनरेशन है बहुत अच्छा काम करेंगे, और क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों के बारे में जैसे हरीश सिंह रिजवाल जी दिल्ली वाले मारती वाले, उनका भी हमेशा मैसेज आता है कि केदार में इनको मतलब को प्रमोट करना, जो भी चीज़ हम देंगे करें। आप चलो तो भाई लोगों की बात है, जहाँ पुष्करदार जैसे यहाँ पर शख्स यहाँ पर आए हुए हमारे बीच आप लोगों के, तो हमारे सौभाग्य है। तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि दाजू की जो आशीर्वाद हम लोगों पर रहेगा तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे, खासकर दासपा जी चंद्रदा सभी लोगों से मुहिम, आप लोगों को पता है दासपा जी के बारे में। चलते चलते जो है यही बात हो रही थी कि भाई इस तरह से हमारे बच्चे जो है कब तक जो है ये सारे कार्य करते रहेंगे, रोज़ अभियान चलाते रहेंगे, तो अभी हिमांशु ने कहा कि माँ जी भी लगा था तो हम भी लगे रहेंगे, तो हमने हार नहीं मानना है, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलली हमने जो लोग कूड़ा करते हैं उनको भी अवेयरनेस करना है, और साथ साथ में हमने अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स हैं
जो हमारे जो है SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, वहाँ तक भी करना है कि एटलीस्ट आप इकट्ठा तो कर सकते हो, लेकिन डंपिंग का सुविधा कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने पूछा अभी हिमांशु से, यार ये डंपिंग कहाँ करेंगे? उत्तरोप गलत मतलब जैसे दंडार्द्रोप गए तो वहाँ की ब्यूटी खत्म हो जाएगी, खलिया टॉप की ब्यूटी खत्म हो जाएगी, उत्तरोप गल तो हंसलिंग की ब्यूटी खत्म हो जाएगी। कहने का तात्पर्य कहीं पर भी हमको जो है गंदगी नहीं करना, ऐसा ये धरातल बनेगा, है ना। तो इसमें जो है बहुत कुछ लोग हमसे जुड़ते रहेंगे, तो मिसेज पंचपाल जी और मिस्टर पंचपाल जी ने छोटी सी एक टोकन एक हिमांशु जी आपके ग्रुप को देने की बात की है, तो पहले टोकन देते हैं, तो मैं मिसेज पंचपाल जी से कहूंगा कि वो टोकन जो है छोटा सा हिमांशु को प्रेजेंट किया जाए ऑन बिहाफ ऑफ पंचपाल। हरी बॉयज फुटबॉल क्लब को जो है हरीश सिंह बिरजवाल जो मारुति में रहते हैं रुकमा नाम से जो है उन्होंने ये टी शर्ट भेंट किया है। आज पुष्कर सिंह पंचपाल जी, राजकुमार, हिमांशु, चिराल जी, केदार बिरजवाल जी, मिसेज पंचपाल जी उसका जो है विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं और उसका विमोचन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। त्रिभुवन है ना, क्या नाम हुआ? मोहित। क्या नाम चला? दिया। दिया राणा। अच्छा, फुटबॉल खिलाड़ी, वेरी गुड। उपेंद्र है ना, है सौरव, सौरव है ना। ये बैग आपको भी, बहुत बढ़िया, आपको भी जो है काफी अच्छी तरह से भाई गर्म जोशी क्या बोलेंगे मेरे साथ। जय जवान।